ये ऑरेंज लाइन ट्रेन और हम पहुंचे हैं आज शालमार बाग। और इन्होंने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया हुआ है और मैं आज आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत साथ साथ शेयर करूँगा। ये शालामार बाग जो है वो मुगलिया दौर की यादगार है। थैंक यू। और यहाँ पे टिकट लेने के बाद, टिकट कितने की थी? 20 की टिकट चार्जेस के बाद हमें जो है वो यहाँ एंट्री मिली है। और अब हम और ये वो तारीखी जगह है जो कि मुगलिया दौर ने बाग बनाया था। इसके बारे में जो है वो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। ये शालामार बाग लाहौर मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है जिसमें खूबसूरत रास्ते, पानी की नहरें, आबशार और फवारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल अक़वामी सकाफती वर्की कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज तरीन अजायबात की फहरिस्त में इसको शामिल किया था ताकि इसके सही मायनों में निगहदाश्त हो सके। शालामार बाग शहर से 5 किलोमीटर दूर जरनैली सड़क पर वाक़िया है। इसकी तामीर शाहजहाँ ने 1627 से 1657 के हुक्म से 1641 ईस्वी व मुताबिक 1051 हिजरी में शुरू की और 1642 ईस्वी के मुताबिक बामुताबिक 1652 हिजरी में यह मुकम्मल हुआ था। बाग की तामीर शाहजहां के एक अमीर खलीलुल्लाह खान की निगरानी में जो है वो अली मर्दान और मलावा मलिक तोली के ताउन से अंजाम पाई थी। शालामार बाग के चारों तरफ बुलंद हसारी दीवार है। यह शुमालन जनूबन 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बलाई तख्ता मजरह बख्श, दरमियानी तख्ता फैज बख्श और जरई तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। इसका तकरीबन शुमालन जनूबन 658 मीटर तूल और शर्रन मतलब मगरिब की तरफ जो है 258 मीटर अर्ज़ पर मोहित है। इसके बालाई तख्ते में 105 फवारे नस्म हैं जबकि दरमियानी तख्ते में 152 फवारे और ज़रई तख्ते में 153 फवारे नस्म हैं। इसी तरह इन फवारों की कुल तादाद 410 बनती है। अब हम इस बाग के अंदर की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कदीम
जगहें हैं, तो इनके लिए जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ये वो फाउंटेन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो उस वक्त जो है वो बहुत, जो बाहर लिखा हुआ था कि टोटल 410 फाउंटेन्स हैं। अगर हम यहाँ पर यूँ देखें तो लोगों की तफरीहात के लिए बहुत सी इस तरह के एरियाज लाहौर में बहुत बनाए गए हैं। ये पहला जो फाउंटेन का एरिया है वो ख़त्म हो गया। सेकंड पोर्शन फाउंटेन का यहाँ पर आप देखें, सीधे हाथ पे आपके पार्क के ये बना हुआ है, और उल्टे हाथ पे आप ये देखें, इन सब जगहों पर हम जाएंगे और गुजरेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम इस जगह पे पहुंचते हैं, मेन एरिया ऑरेंज लाइन ट्रेन। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये सेकंड पार्ट में ये जो मुगलिया दौर ने जो बनाए थे फवारे, वो उनकी शेप्स मैंने आपको दिखाई। अब ये थर्ड पार्ट में ये अलग से हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये टोटल मिला के 410 के करीब फवारे नस्ब हैं, जो इनकी बाग की खूबसूरती को जो है वो चार चांद लगा देते हैं। लेकिन अगर ये वाकई चलते होते और रनिंग में होते तो मेरे ख्याल से ये अभी भी वैसे ही महसूस होते, जैसे खुशगवार लगते, जैसे कि जो है वो उस वक्त मुगलिया दौर जो है वो इसमें रहकर महसूस करता। ये वो मेन एरिया है जो हम अक्सर जब भी शालामार बाग का जिक्र होता है तो उसमें ये आते भी हैं। AKDN ने इसे जो है वो अवार्ड भी दिया था।
हमारे लेफ्ट साइड पे और अगर हम राइट साइड पे देखें जो हम ये कनीजों के रहने की जगह है, एक मिनट, शालामार बाग जीटी रोड पर पुराने लाहौर शहर से 5 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाकिया है। इसके अलावा शालामार बाग के नाम से दो और भी बागात भी थे, जिसमें से एक श्रीनगर कश्मीर और दूसरा दिल्ली में था। अब सिर्फ श्रीनगर और लाहौर के शालामार बाग बाकी रह गए हैं, जबकि दिल्ली का शालामार बाग अब ख़त्म हो चुका है। इसी शालामार बाग और दूसरे बागात की वजह से लाहौर को पंजाब का वेसल्स भी कहा जाता है और इंसानों ने मिलकर फिर इसे कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, कोशिश की कि इस तारीखी विरासत को जो है वो और ज़्यादा महफूज किया जाए। कुदरत और इंसान ने मिलकर इसे बनाया और तारीख और वाकयात ने इसे और ज़्यादा रोमानियत दी। ये जो अभी हम जगह देख रहे हैं, ये हिफाजत के लिए जो है वो जगह थी जहाँ पे खड़े होके जो सिक्योरिटी और सफाई जो हैं वो इस किले की हिफाजत किया करते थे। एक दफ़ा इसको पढ़ ले बैठे तो ये वाला जाना भी है तो चैप्टर, ये सेंट्रल टैंक है जो अभी हम देख रहे हैं और अब हम उसी तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम देखते हुए जाएंगे पूरा। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है में, आप ये देखें पानी की निकासी का जो इंतजाम, ये भी घूमने की एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते रहिएगा। अब हम उस बाग के खूबसूरत हिस्से में आए ये जो मैंने अभी बोल्ड किया है ये है मेहताबी और मिडल टेरेस और साथ साथ अब ये देखें कि ये किस तर्ज पे तामीर किया गया था। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है सामने उस मेन एरिया में,
ये इसकी हिफाजत के लिए मीनारे। और तेरा कुछ है नहीं उस तरफ। वहाँ से ऊपर निकलने के बाद जो है वो एक मिनट ना, वहाँ से हम ऊपर होते हुए दोबारा इसी जगह पर आ गए। आप ये देखें, मुझे सिर्फ एक बात अभी तक समझ नहीं आई, इतना साफ पानी आया कहाँ से होगा? या तो उसने दरियाए सिंध से जो चल रहा है, मतलब जो ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, वो उनको पानी को सबको यहाँ खींच लिया होगा। इस तरफ से हम आए थे, अब इस तरफ ऊपर की तरफ। ये पूरा एरिया है जो दूर तक हम घूम के आए। ये था वो सेंटर पॉइंट जहाँ खड़े होके एक साइट का कंप्लीट नज़ारा हम देख सकते हैं। हमारे पास एक हमारे दोस्त मौजूद हैं। ये थोड़ा सा ये जो तख्ते शाहजहां जो अभी मैंने आपको क्लोज किया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। जी, बेसिकली ये शालामार गार्डन है और उसका ये सेकंड स्टेप है जहाँ पे ये तख्त मौजूद है। इसको तख्ते शाहजहाँ कहते हैं। किंग जो है वो इस पर बैठा करता था और इसके साथ ही ये जो आगे स्टेज आता है यहाँ पे उस ज़माने में
महताबी इसको कहते हैं, चांद की रोशनी। तो ये खूबसूरत पॉइंट था जहाँ पे रकास वगैरह परफॉर्मेंस देते थे और इसको इसी वजह से महताबी भी कहा जाता है। साथ ही हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये रेड संगेसर की बारादरी है, विच आर यूज स्पेशली फॉर म्यूजिशंस एंड रेड सैंडस्टोन, जो कि जयपुर राजस्थान से लाया गया था। ये एक साइड पे लेफ्ट है और इसके साथ ही राइट साइड पे जो है ये एक और मूसीकारों को बारादरी है। इसमें आप भी अगर क्लैब वगैरह करें तो सेम मुगल्स दौर का जिस तरह एको होता था उस तरह इसमें एको किया जाता था। ये जो सावन भादों की बारादरी है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रॉयल फैमिली वाज सिटिंग हेयर। ये सावन भादों की बारादरियाँ उल्फ़ाम में मूनसून पवीलियंस भी कहा जाता है। इसके साथ ही एक और लास्ट में जो है ये इमारत जो नज़र आ रही है उसको दौलत खाना कहा जाता है, वो हयात बख्श है। ये जो तमाम है ये फराब बख्श है, फैज़ में ये पूरे 152 फाउंटेन्स आते हैं। इसके साथ ही तख्त शाहजहाँ और साथ ये वाटरफॉल है जो कि हम नीचे उतरते हुए आपको दिखाएंगे। उसके बाद जहाँ हम खड़े हैं ये मरकज़ी बारादरी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेस है बिकॉज द रॉयल फैमिली जो है इसमें बैठा करती थी। इसमें ये आप रिंग्स देखते हैं जो कि टेम्परेरी रूम्स वगैरह बना देते थे कर्टेंस गिरा के इसमें, तो ये इस तरह के रिंग्स जो हैं इनमें लगाए गए थे। ये मरकज़ी बारादरी में जो है ये मौजूद हैं। इसके साथ ही इसकी फ्लोरिंग जो है बहुत खूबसूरत है, इनको चार मार्बल्स यानी कि संगे मूसा, संगे मरमर, संगे बादल और इस तरह जो है इन चार मार्बल्स के साथ डेकोरेट किया गया था। इसके साथ ही जो है इसकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में ये जो है ये दियार की लकड़ी का डिज़ाइनिंग है, छोटे छोटे पीस से जो है तकसीम बंदी की गई है। इसके साथ ये एक मिरर है जो कि इसमें डिज़ाइन किया गया है और साथ पेंटिंग की गई है। ये आ जाती है मरकज़ी बारादरी जो कि फराब बख्श में आ जाती है। फराब बख्श में एक सामने इमारत आपको नज़र आ रही है, ये इमारत जो है बेसिकली बेडरूम ऑफ किंग है, इसको कहते हैं आरामगाह शाहजहाँ। किंग जो है ना यू वाज स्लीपिंग देयर। इसके साथ ये तमाम जो है 105 के करीब फाउंटेन्स हैं और इसके साथ ही जो है वो अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमें एक बारादरी नज़र आएगी। ये बारादरी भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसकी यानी कि फराब बख्श में। फराब कहते हैं खुशी को, क्वींस और प्रिंसेस जो है ना दे वर वॉकिंग ऑन द फराब बख्श। इसके साथ ही हमारे राइट साइड पे जो है ये एक मलका की ख्वाबगाह है, ये जो वाइट कलर में इमारत नज़र आ रही है ये असल में मलका की ख्वाबगाह है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पवीलियन है विच वाज नेम दैट विलियम मोरक्राफ्ट। ये विलियम मोरक्राफ्ट जो है ये सिख दौर की इमारत है जो कि रंजीत सिंह का गेस्ट था। विलियम मोरक्राफ्ट एक डॉक्टर था, वेटनेरियन और ट्रैवलर और एक्सप्लोरर था। और इस फराब बख्श में ही एक और पीछे जो है एक खूबसूरत आज आपको नज़र आ रहा है, ये निकार खाना है। निकार खाना वाज द प्लेस वेयर जब किंग शाहजहाँ आता था तो नकार जो होते थे वो नकार बजा कर अवेयर करते थे कि किंग शाहजहाँ आ रहा है। तो ये पूरा व्यू जो है ये फराब बख्श का है जिसमें ये चहार बाग मौजूद है। चहार बाग मीन्स के चारों साइड से चार कैनाल्स को बनाया गया और उसके साथ अमारात बनाई गई और ये जिसमें आम और जामन के दरख्त हैं, ये आम और जामन के दरख्त हैं जो कि इसमें फराब बख्श में मौजूद हैं, ये इसमें जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। सेकेंड स्टेप कहाँ पर? ये नहीं, हाँ यहाँ से मैं आया, मुझे इतना पता नहीं था, अगर आप चलेंगे तो गर्दा बन जाएगी। ये रखें प्लीज, ठीक है, चलें ठीक। और आप बताएंगे थोड़ा सा आगे और भी? मैंने इसकी हिस्ट्री मुकम्मल कर दी है। कर दी है? हाँ जी, ये अफरा की फैज की और लास्ट वाली हमारे, ठीक है, सारी यानी मैंने डिलीवर कर। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? ये नेट वगैरह पर तो नहीं जोड़े? हाँ, ये असल में यूट्यूब पर मेरा चैनल है और आपकी फ़ोटो तो आई नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी तो सिर्फ आवाज़ गई है। ये कहाँ से लिया? ये उन्होंने दिया था, एक कहते हैं कि आप ये ले लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैंने कहा इतना कौन समझेगा, जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलें, फिर भी कुछ पूछना होगा तो मैं बोलूँगा। ठीक, थैंक यू। 10 मिनट में बता दिया यार। कहाँ से निकलना है? वापसी जाने के वो बना लें बस और वो ख़त्म करें। हाँ, और यहाँ से एक बना लूँ, एक ओवरऑल बना लूँ। और हम फिर
थोड़ी देर के लिए। कॉलेज लाइन ट्रेन वाओ और एट द एंड फिर हम उसी जगह पर पहुंच गए जहां से चले थे और यूं थोड़ी हिस्ट्री और तफसील जितनी भी थी शालीमार बाग की ये हमने आपको दे दी।